नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने जनरल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एमपी पीईबी ग्रुप 5 रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। अभी हाल ही में एमपी व्यापम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे लगभग 1200+ पदों के लिए के बीच में ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, नर्स मेल और भी बहुत सारी पोस्ट है, उनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीपीबी ग्रुप 5 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपीपीबी ग्रुप 5 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमपीपीबी ग्रुप 5 का सिलेबस क्या रहेगा, एमपीपीबी ग्रुप 5 की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एमपी व्यापम ग्रुप 5 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एमपी व्यापम ग्रुप 5 वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड एमपीपीबी ने ग्रुप 5 के तहत विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीपीबी ने ग्रुप 5 के 1248 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एमपी व्यापम ग्रुप 5 भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एमपीपीबी ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एमपीपीबी ग्रुप 5 वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पोस्ट किस चीज़ की है, असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की 194 पोस्ट है। स्टाफ नर्स मेल की अगर बात करें तो 445 पोस्ट है। मेल नर्स की अगर बात करें 36 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की अगर बात करें 6 पोस्ट है। टेक्नीशियन की 29 पोस्ट है। आयुर्वेदा कंपाउंडर की 173 पोस्ट है। होम्योपैथिक कंपाउंडर की 3 पोस्ट है। ग्रीक कंपाउंडर की 37 पोस्ट है। स्टाफ नर्स की 123 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 28 पोस्ट है। आयुर्वेदा में फार्मासिस्ट ग्रीक की अगर बात करें तो 2 पोस्ट है। पैथोलॉजी की अगर बात करें तो पैथोलॉजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 32 पोस्ट है। ऑडियो मास्टर की 4 पोस्ट है। क्षार सूत्रा की अगर बात करें तो क्षार सूत्रा टेक्नीशियन की 7 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है। मेडिसिन कल्पक की 1 पोस्ट है। रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है। रिफ्रेशमेंटिस्ट की अगर बात करें तो 3 पोस्ट है। पंचकर्मा टेक्नीशियन की 11 पोस्ट है। असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। और पंचकर्मा असिस्टेंट की अगर बात करें तो पंचकर्मा असिस्टेंट की 43 पोस्ट है। अगर बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की तो 35 पोस्ट है। ड्रेसर की 13 पोस्ट है। कंपाउंडर की जो आयुर्वेदा में 2 पोस्ट है। डार्क रूम अटेंडेंट की 4 पोस्ट है। और इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे लगभग 1248 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, यानी जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आपने लैब टेक्नीशियन अप्लाई करा तो लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ एक पोस्ट के लिए 10वीं 12वीं पास भी मांगा है, तो इसके लिए कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए कि आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एमपीपीबी ग्रुप 5 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 14 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें एमपी व्यापम ग्रुप 5 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 28 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें फॉर्म में अगर आपको करेक्शन करना चाहते हो तो आप 2 नवंबर 2022 तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। आपकी एग्जाम डेट है
पीबी ग्रुप 5 की, वो आपकी 25 नवंबर 2022 रखी गई है। आपका 25 नवंबर 2022 को बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपये फीस लगेगी। ओबीसी एससी एसटी और एक्सर्विसमैन के लिए आपकी 310 रुपये फीस रखी गई है। फीस का उतना आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब एमपीपीवी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एमपीपीवी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एमपी व्यापम ग्रुप 5 का, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एमपी व्यापम ग्रुप 5 एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसकी में आपके दो पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका जनरल स्टडी आएगा, जिसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये आपके 6 सब्जेक्ट आएंगे 25 नंबर के। इसके अलावा पार्ट बी होगा आपका, जो आपका क्या है, जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं एमपीपीबी ग्रुप 5 के पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तु इस प्रकार की होगी, पेपर 100 अंकों का होगा, परीक्षा की समय अवधि 1.5 घंटे 90 मिनट की होगी, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की नहीं होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। अब बात करते हैं कि एमपीपीबी ग्रुप 5 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पार्ट ए का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, तो इसमें आपकी करंट जीके आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, इकोनॉमिक आ जाएगी, ज्योग्राफी, जो आपका कल्चर है, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य और सफाई, भारत और विश्व, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको करंट जी ये आपको जीके वो अच्छी तरह से कवर करने हैं, बाकी आपको करंट जीके भी सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा, तो हिंदी में आ जाएगा वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, शब्दों के शब्द रूप, शुद्ध रूप तो आ जाएगा इसमें, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्यों का अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां व कहावतें, संधि और संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं अब जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या आएगा, वोकेबलरी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ग्रामर, एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के भी 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इसका भी आपको क्या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम आ जाएगा, नंबर प्रॉब्लम आ जाएगा, डेटा पर्याप्त से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, अंश और दशमलव, परसेंटेज, एच सी एंड एलसीएम, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, डीआई आ जाएगा आदि संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, एनालॉजी आ जाएगा, सेप्टर ओरिएंटेशन आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, यूजर मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको टॉपिक वो अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। चलिए बात करते हैं अब जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा सामान्य विज्ञान यानी सोशल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान आ जाएगा, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, जब आपका ये आपका पार्ट ए का सिलेबस हो गया, पार्ट बी का आपका क्या है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। बात करते हैं अब जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो
एमपी व्यापम ग्रुप फाइव सैलरी बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट वेटरनरी ऑफिसर की सैलरी आपकी 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये के आसपास आपकी सैलरी होगी। जो स्टाफ नर्स मेल की 5,200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस में जीपी आपको 250 रुपये दिया जाएगा। मेल नर्स की अगर बात करें तो 2,750 रुपये से 91,300 रुपये पे लेवल 7 आपको दिया जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो 5,200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस में आपका जीपी 1,900 रुपये दिया जाएगा। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 5,200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस में आपका जीपी 2,850 रुपये दिया जाएगा। आयुर्वेदा कंपाउंडर की अगर बात करें तो 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये के आसपास आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। होम्योपैथी कंपाउंडर की अगर बात करें तो 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रीक कंपाउंडर की भी आपकी सेम सैलरी है। स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो 2,750 रुपये से लेकर 91,300 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। लैब टेक्नीशियन की अगर बात करें और लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपकी सैलरी 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। स्टाफ नर्स की सैलरी आपकी होगी वो होगी 2,850 रुपये से लेकर 91,300 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एमपी व्यापम ने एमपीपीबी ग्रुप फाइव की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एमपी व्यापम ग्रुप फाइव का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपी व्यापम ग्रुप फाइव का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमपी व्यापम ग्रुप फाइव का जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, एमपी व्यापम ग्रुप फाइव की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई थी एमपी व्यापम ग्रुप फाइव की भर्ती के बारे में, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दिया आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।